हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रिंकल मल्होत्रा। आज आपके सामने ही हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक स्पीकर की, अमेज़ॉन से जो मैंने बाय किया है, और ये इस कंपनी का था। तो अभी मुझे अमेज़ॉन से रिसीव हुआ कि मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, और है तो ये बहुत ही नॉर्मल सा स्पीकर, लेकिन सस्ते में एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैं आपके लिए शो कर रही हूँ। तो आगे बने रहिएगा इस चैनल पे, और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये एक छोटा सा FM, और इस तरह से ये दिखता है। और यहाँ पर इसके दे रखे हैं कि मैंने पेन ड्राइव लगाई हुई है जिसमें गाने बजते रहते हैं, और नीचे मेमोरी कार्ड भी हम लगा सकते हैं। ये वायर जो इसके साथ मिली थी जिससे कि हम चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्ट वायर को डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। और ये है हमारा ऑन ऑफ का बटन, और ये प्लस माइनस वॉल्यूम मोड्स और ये सब दे रखा है। इस तरह से दिखता है। कलर्स इसके कई अवेलेबल है, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। तो पहले मेरा टूट गया था, सही चल रहा था कि पार्लर में रख दो, उसको बजता रहता था अपने FM वगैरह, मतलब FM तो मेरा नीचे शायद नहीं कनेक्ट होता था, और ब्लूटूथ में जो मैंने गाने इसमें डाल रखे थे वो बजते रहते थे। इसकी वॉल्यूम भी ठीक है, और इसमें इसका प्राइस देख रखा है 999, जो कि मुझे मिला है 550 रुपीज़ का। और पिछली बार तो मुझे इसमें भी डिस्काउंट मिल गया था, तो मुझे और सस्ता पड़ा था। इस तरह से लिखा है इसका प्राइस वगैरह, फुल डिटेल। इस तरह से बार कोड भी मिलता है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और इसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें आई थिंक वारंटी भी आपको मिल जाती है। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है। अगर आप भी ऐसे कोई शॉप में कोई या कहीं पे भी ऐसा रखना चाहते हैं कि गाने वगैरह बजते रहें, तो ये मेरे ख्याल से सस्ते में एक अच्छी डील है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।